मध्य कोपेनहेगन से कुछ ही किलोमीटर दूर अमागेर द्वीप के इस नेचर पार्क में वन्य जीवों की खिलखिलाहट खूब सुनाई देती है। 80 साल पहले तक ये इलाका छिछले पानी से ढका था। जमीन को दोबारा उभारने की एक लंबी परियोजना का नतीजा 3000 एकड़ में फैले नेचर पार्क में अब हजारों परिंदों की रिहाइश के रूप में नजर आ रहा है। लंबे समय तक यहाँ चारों तरफ केवल झाड़ झंकार था, लेकिन जब हमने यहाँ प्रकृति को बसाने का फैसला किया तो ये व्यवस्था बनी। हमने बेकार पेड़ों को हटाया, मवेशी रखे ताकि वो घास चर सकें, और अब ये शानदार ब्रीडिंग एरिया है। परिंदे अपने साथ पौधों के बीज लाते हैं, जिनमें से कुछ पौधों या फिर पेड़ों में बदल जाते हैं। हम यहाँ पौधों को देख सकते हैं, यहाँ पेड़ हैं जो फैल रहे हैं। आप उन्हें छोटे छोटे बागों के रूप में देख सकते हैं जहाँ उनके बीज लगाए जाते हैं और वो बढ़ने लगते हैं, नई प्रजातियों के साथ जमीन घेर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन से लड़ने में पौधों को जानवरों से बड़ी मदद मिलती है। आधे से ज्यादा पौधों की प्रजातियाँ बीजों के प्रकीर्णन के लिए जानवरों पर निर्भर है। आप किसी गिलहरी के जरिए फैलने वाले शाहबलूत के फल या फिर रॉबिन के बेरी खाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम पूरी दुनिया के पौधों की प्रजातियों को देखें तो उनमें आधे से ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह जानवरों के जरिए जाते हैं। अब जानवर या तो लुप्त हो रहे हैं या फिर उनके रहने की जगह सिमटती जा रही है, और इसका असर पेड़ पौधों पर भी होगा। कई रिसर्चर ये बताने की कोशिश में हैं कि समस्या कितनी बड़ी है। तो जब हम जैव विविधता को खो देते हैं तो निश्चित रूप से इन जीवों को तो खोते ही हैं, साथ में हम वो सब भी खो देते हैं जो वो जीव अपने इकोसिस्टम में कर रहे हैं या फिर चिड़ियों और स्तनधारियों के लिए कर रहे हैं। इकोसिस्टम में उनकी भूमिका का एक बड़ा हिस्सा है बीजों को फैलाना। जब हम उन बीजों के फैलाव को खो देते हैं तो फिर हम पौधों और जीवों के उस पारस्परिक संबंध को भी खो देते हैं जो इकोसिस्टम को चलाने में मदद देता है। खासतौर से अगर जलवायु परिवर्तन के संबंध में देखें तो पौधों के एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता उन्हें जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सक्षम बनाती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस काम में जानवरों के शरीर का आकार भी बड़ी भूमिका निभाता है। इसका एक बड़ा उदाहरण अफ्रीका के सवाना हाथी हैं, जो अब कुछ इलाकों में सिमट गए हैं। जानवरों के प्रकीर्णन प्रभाव का उनके शरीर के आकार से गहरा संबंध है, यानी कि बड़े जीव ज्यादा अहम हैं। तो अगर हम सबसे बड़े जीव के बारे में सोचें तो वह है अफ्रीका का सवाना हाथी। ये प्रजाति एक या दो सदी पहले पूरे अफ्रीका में फैली हुई थी, लेकिन अब ये अफ्रीका की कुछ जगहों पर छोटे छोटे इलाकों में सिमट गई है। इस बड़े जीव का प्रकीर्णन प्रभाव बहुत बड़ा है, क्योंकि ये बड़े इलाके में घूमता है और हर रोज बड़ी मात्रा में झाड़ियों और पत्तों को खाता है। ये चीज अफ्रीका के ज्यादातर इलाकों में खत्म हो गई। इकोलॉजी के जानकार चाहते हैं कि जानवरों के प्राकृतिक आवासों को दोबारा से आबाद किया जाए। ये सिर्फ जानवरों के लिए जरूरी नहीं है। जैव विविधता पर आए संकट से पार पाने और जैव विविधता इंसानी दखल के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन से जूझ सके, इस लायक बनाने के लिए हमें प्राकृतिक आवासों को दोबारा तैयार करना होगा। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, हमें जानवरों के समुदायों का भी संरक्षण करना होगा, ना सिर्फ उनके बल्कि उनके कामों को दोबारा बहाल करने के लिए भी, जैसे कि पौधों के प्रकीर्णन और इस तरह के दूसरे काम। जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझने के लिए पेड़ पौधों को जानवरों का सहारा चाहिए, जिसका और कोई विकल्प नहीं। जैव विविधता संकट के संदर्भ में जब हम जानवरों और पौधों से उनके संबंधों के बारे में सोचते हैं तो परागण, उनका विलुप्त होना और इकोसिस्टम में उनके कामों के नुकसान पर ही ज्यादातर हमारा ध्यान जाता है। हालांकि इस रिसर्च पेपर में प्रजातियों के खत्म होने के दूसरे संभावित नुकसानों पर ध्यान दिया गया है, और वो है पौधों की प्रजातियों का खत्म होना। अगर आसपास जीव नहीं होंगे तो पौधों की प्रजातियां कुछ इलाकों में जलवायु परिवर्तन होने पर वहां से दूसरे इलाकों में नहीं जा सकेंगी। धरती के बाशिंदे एक दूसरे के बारे में जितना सोचते हैं वो आपस में उससे कहीं ज्यादा जुड़े हैं। जरूरी ये है कि सिर्फ वो अपने बारे में ही ना सोचें।
एक के बिना दूसरा भी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा।